वेलकम टू माय चैनल क्यूटी। तो आज हम लोग जा रहे हैं झांसी और उसका व्लॉग बनाने का सोचा। अभी आपको विलेज वाला व्लॉग दिखाया था हमने और अब हम लोग जा रहे हैं झांसी, तो तक आपको सब दिखाएंगे और बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो अभी हम लोग रास्ते में देखो और चलो चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज हम लोग यूपी की बाउंड्री में एंटर कर चुके हैं और ये देखिए एक बहुत प्यारी सी लेक निकल चुकी है। गाइज बेतवा नदी हमारा पीछा करते करते एमपी से यूपी आ गई। ये एमपी से निकलती है और यूपी में आती है ना। हेलो गाइज, तो अब हमें बस यहाँ से राइट मोड़ना है और घर आ जाएगा और ये घर आ चुका है। मामी, अरे तुमको क्या हो गया दशु? ओवर यहाँ मामा और दीदी चाय नाश्ता कर रहे हैं और ये नानी बैठ के उनकी बातें सुन रही हैं और मैं दस किलो की खेल रहा हूँ। पापा पापा दादू लोग बैठे हैं। यहाँ पे किचन। गाइस हम लोग झांसी आए थे दर्श के बर्थडे के लिए और यहाँ पे नानी ने आज दर्श का बर्थडे था तो वहाँ जाती थी सत्संग। तो निरंकारी भवन में लंगर रखवाया है तो उसके लिए भी हम लोग जा रहे हैं, मतलब थोड़ा तैयार वगैरह होके फिर चलेंगे। लेकिन उतनी छुट्टी नहीं मिल पाई हम लोगों को, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 दिन का ब्लॉग दे पाऊंगी और जो कि इसी ब्लॉग में कवर हो जाएगा। ओके बस। तो गाइस चलो चलते हैं निरंकारी भवन। गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं, चलो अब नमस्कारी करने चलते हैं। गाइस लंगर का खाना बहुत टेस्टी होता है और वैसे यहाँ पे लंगर होता रहता है जब भी किसी का बर्थडे या फिर कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो लोग करवाते हैं लंगर। गाइस घर आने के बाद मैं और दर्श खेल रहे हैं अभी स्कूटर से और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था जो कि 2 दिन पहले ही खुल गया ऑल बिकॉज ऑफ दर्श। और अभी हम लोग होंगे तैयार जहाँ पे हम लोगों को जाना है, मेन होटल में। तो गाइस जहाँ हम लोग होटल जाते हैं उसके बीच में देखो हमको किला दिखा रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसका नाइट व्यू कितना अच्छा है और देखो देख ही सकते हैं आप कितना प्यारा रेड रेड कलर का लग रहा है, पिंकिश कलर का। और इसके बाहर ट्रैफिक भी बहुत होता है इसलिए हमको पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। चलिए एक कुर्सी और, मतलब खेलने वाले 3 हैं, कुर्सियां 2 हैं, देखते हैं जीतता कौन है। मम्मी और एक बच्चा बैठ पाया बेटा, मम्मा को बैठने दो, आप पहले भी बैठे क्या, फिर आप बैठेंगे और मम्मा को खुद ही बैठा दी, मम्मा को बैठने दो उसके बाद खुद ही बैठ। आ जा आ जा बेटा भागा, कोई बात नहीं। तो कविता जी जीतती है या ऋतु जी जीतती है देखना चाहेंगे, जोरदार ताली हो जाएगी भाई, ताली जोरदार वाली होना चाहिए प्लीज। फिर से Oh
तब आज सोने में थोड़ा लेट हो गया था, 3 बज गए थे अभी, लेट उठ रहे हैं, अभी थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कि देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस मुझसे पहले दर्शु भी उठ गया और उसने अपने गिफ्ट खोल भी लिए और अब खेल रहा है। तो गाइस मामा हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, हाँ चलो दाढ़ी चलाने, गाड़ी चलवाने नहीं, वो घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। वो थोड़ी थोड़ी सी बाइक सिखा देते हम लोगों को, इसलिए घुमाने ले जा रहे हैं। मेरा फेस अभी ऐसा लग रहा है। चलो पहले मैं ब्रश करके आती हूँ, फिर आप चलो। मम्मी यहाँ पे पौधों को पानी डालने दादू है। हेलो फ्रेंड्स बोल दो दर्श। हेलो फ्रेंड तो बोल दो। यहाँ से बाहर जाते हैं, ये बाहर। तो गाइस यहाँ से आता है कैमरा मेरे हाथ में, तो देखिए ये बैठे हैं मेरे दादू और ये है मेरी छत। तो गाइस चलो मैं आपको अब घर दिखाती हूँ, नानी के घर का टूर देते हैं आपको। तो चलो अभी नीचे चलते हैं। और ये है सामने छोटी मामी का रूम। गाइस यहाँ पे ये एक ओपन एरिया टाइप का है यहाँ पे, और मतलब विंडो जैसा मतलब खुला हुआ है ये पूरा वाइड स्पेस में। और यहाँ पे मतलब सर्दियों में अच्छी हवा आती है, गर्मियों में भी ठंडी हवा आती है, कभी कभी गर्म हवा भी आ जाती है। तो गाइस इसी के साथ एक और अटैच्ड रूम है, जिसको तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं करवाया, ये तो एज अ स्टोर रूम टाइप रखा हुआ है अभी, सारा सामान है यहाँ पे अभी। और ये वैसे ये वाला जो कॉर्नर है ना, मैं उसको बहुत बहुत पसंद है। जब यहाँ पे मतलब धूप वगैरह आती है ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बस यहाँ पे बैठ भी सकते हैं आप और जो करना है वो कर सकते हैं। जैसे रात में कभी भी हम लोग सोने का मन करता है ना, तो यहाँ पे आके हम लोग गद्दे डाल के सो भी सकते हैं। ये है ना मामी का कमरा। पापा खेल रहे हैं। इसमें ड्राइवर बैठा ले, बिना ड्राइवर के नहीं चला पाएगा। देखो गाइस हम लोगों को घर के बाहर ले रहे हैं, बंदर का खेल दिखा रहे हैं। गाइज मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये एनिमल्स को वो लोग ऐसे बांध के और वो करवाते हैं उनसे जो भी, और कितना फोर्स करते हैं उनको पैसा कमाने के लिए। जानवर भी केला नहीं खा रहे थे वो लोग, और मतलब उनको खुले में रहना चाहिए, खुले में एनवायरनमेंट में, तब उनको अच्छा लगेगा। और वो इंसान भी इतना गुटखा खाए हुए था, इतने एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री करके रखना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। और जो भी इसके सपोर्ट में कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही था, और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट्स किए बिना मत ही जाना, और वो बेल आइकन भी प्लस प्रेस कर दें। ओके तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।